अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम नूरुन्निसा। नूरुन्निसा, ऊँचा बोलिए। और आप पहली दफ़ा हज पे आई हैं? जी। कैसा लगा आपको हज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत कैसे इंतज़ाम आते हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत अच्छे। कोई मुश्किल नहीं हुई? कोई मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, कितने पैसे लिए थे हज के? हज के हमने 8.5 लाख। अच्छा, उसमें खाना शामिल था? उसमें खाना, रियायत सब शामिल। तो सरकारी हज था या गैर सरकारी? गैर सरकारी। गैर सरकारी। अच्छा, तो यानी आपको मक्का और मदीना आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ तो ये बात पूछने की नहीं है, तो यही बहुत अच्छा। तो यहाँ आप किस लिए बैठी हैं अभी? अभी दूसरे साल के रोज़ा मुबारक सलाम के लिए। सलाम पेश। हाँ, आप वहाँ गई रियादुल जन्ना? रियादुल जन्ना भी गई हैं कल भी। हाँ, ये आप लोगों की किस्मत है, इस दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट ने ये किया है कि दो हिस्से कर दिए हैं, सलाम के लिए लेडीज़ को अलग कर दिया है, जेंट्स को अलग, वो नहीं, रियादुल जन्ना को अलग कर दिया है। तो सलाम के लिए आप आ जाइए। कल भी? कल भी आए थे। हाँ, ये अभी खुलेगा ना 12 बजे तक? बिल्कुल। हाँ, अच्छा। और गिफ्ट वगैरह भी मिले आपको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से? क्या मिला? एक मुसल्ला तो एक साथ कलीने मिले। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप क्या कहेंगी, कुछ कहना चाहें यहाँ के बारे में? हम तो ये कहते हैं कि हमें बार बार अल्लाह इतनी सादत दे कि हम बार बार यहाँ पे आए। ये को कहता है कि ना आए, हर बंदा कहता है कि हर बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला ने हमें तो इतना नवाजा है कि हाजी अकबर दिया है, इस काबिल ही नहीं थे। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा हमारी, कौन किस काबिल है, तो अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है। हाँ, हमें तो अपने अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह ताला इतना नवाज दिया। ज़िंदगी में कहती है सैदे भी पढ़ूँ तो थोड़े, सारी ज़िंदगी सैदे पे रहूँ तभी कि अल्लाह ने हमें बहुत खुश। चलिए, अल्लाह ताला आपका हज कबूल मकबूल फरमाए और आपको बार बार यहाँ आना नसीब फरमाए। आमीन सुब्हानअल्लाह।